हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं अभी शालीमार के बिल्कुल नज़दीक। शालीमार ढाबा जो है मुंब्रा में बाईपास रोड के पास बहुत ही ज़बरदस्त एक ढाबा खुला है। तो ये जो है मतलब दोस्ती नॉर्थ प्लैनेट जो बिल्डिंग है जो कि काफ़ी पॉपुलर है मुंब्रा में, उसके बिल्कुल पास में है। शालीमार ढाबा जो है काफ़ी बड़ा, काफ़ी ग्रैंड है, जो कि मैं आपको भी अंदर से दिखाने वाला हूँ। और बहुत ही खूबसूरत सा साइन बोर्ड यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाहर के कुछ पिक्चर्स मैं लेके आपको दिखाता हूँ अभी। अब ये देखिए इसका जो एंट्रेंस है यही कितना ब्यूटीफुल है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ एक दावत में अपने फ्रेंड रेहान सर और शम सर के साथ। ढाबे में एंट्री करते ही लेफ्ट और राइट में दोनों जगह पर एसी रूम्स हैं जो कि फैमिली के लिए रिजर्व्ड हैं, और जो तीसरा वाला सेक्शन है एसी वाला वो भी फैमिली के लिए रिजर्व्ड है। ये सीढ़ी से ऊपर जाता है। बहुत ही ग्रैंड और मेजेस्टिक, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। लेकिन अब आगे खाना कैसा है उसके बाद ही मैं इसका फाइनल रिव्यू आपको बताऊंगा। मेरा मतलब फाइनल रेटिंग तभी ही दूंगा मैं आपको। ये सामने जो टेंट जैसा बना हुआ है गोल सा, ये काफी खूबसूरत सा है। ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि सर आप लोग यहीं पे बैठिए, बट एक्चुअल में इस सेक्शन में सिर्फ फैंस हैं, एसी नहीं है। और मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, गर्मी लगती है, तो मैं एसी सेक्शन में जाऊंगा। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये दस्तरखान सेक्शन है, गजीबोज बने हुए हैं। गजीबो मतलब छोटे से झोपड़े टाइप की चीजें, और उसमें फैमिली जो है वो पूरा मतलब यानी कि एक जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा इंडियन तरीका जमीन पे बैठ के खाने का, तो वो तरीके से फैमिली यहाँ पे खा सकती है खाना। तो अब चलिए हम लोग अपने एसी वाले सेक्शन में यहाँ पे आके बैठते हैं इसके अंदर। तो बिकॉज आज संडे है तो यहाँ मैंने सीट बुक कर ली है, मतलब कि कौन सी टेबल पे मैं बैठने वाला हूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को चलिए बिठा दिया यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं, कुछ और दौरा करते हैं, देखते हैं, जाते हैं आगे, देखते हैं कि कैसा है ये रेस्टोरेंट। इसका ऊपर वाला सेक्शन भी देख लेते हैं। तो ये चले बस अब हम ऊपर, और ये ऊपर चढ़ के आसपास मैं आपको दिखाता हूँ। सीढ़ियाँ तो काफ़ी पुराने स्टाइल की हैं, काफ़ी एंटीक सा लुक है यहाँ पे, एकदम रेट्रो फीलिंग आ रही है, एकदम पुराने ज़माने वाली। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये जो तीसरा सेक्शन है ये भी एसी का सेक्शन है, ज़्यादा प्राइवेसी के लिए यहाँ पर बना हुआ है। तो ये देखिए ये भी कितना मतलब यानी कि साइज़ में बड़ा है ये जो रूम है, मतलब ये वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। इसको धीरे धीरे हमारे जो फ्रेंड हैं कैमरामैन ये बेसिकली आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी जैसे नीचे बने हुए थे गजीबोज, वैसे यहाँ पर भी बने हुए हैं दस्तरखान के सेक्शंस। ये दस्तरखान वाले सेक्शन में मतलब यानी कि इन लोग तभी अलाउ करते हैं जब कम से कम 5 या 6 लोग आए हों, ताकि मतलब यानी कि वो ऑक्यूपाई होना चाहिए ना, वो स्पेस वो यूटिलाइज होना चाहिए, फुली यूटिलाइज होना चाहिए। ये लोगों ने स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा किया है, और इंटीरियर तो बहुत ही प्यारा किया हुआ है। मतलब तारीफ करते करते मैं नहीं थक रहा हूँ, इंटीरियर मतलब बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। एंड ये जो है कुछ भिवंडी जो कि बहुत फेमस है ढाबों के लिए, खूबसूरती में उन ढाबों को टक्कर दे रहा है। तो मुंब्रा का ये ढाबा आप लोग को एक बार तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अभी इसका जो है मेन्यू कार्ड ये लोग ने लाके जस्ट सामने रखा है, आप लोग स्लो करके इसको देखिए, मैं थोड़ा फास्ट में आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख सकते हैं। तो पहली डिश जो नॉनवेज में हमने ली वो है मटन काली मीरी, जो कि 700 रुपीज की है, फुल है, क्वांटिटी काफ़ी कम है, बट बिकॉज इट्स मटन एंड मटन इज कॉस्टली तो ओके ओके लग रहा है कि ठीक है, प्राइस ठीक है। फिर सी फूड में प्रॉन्स कोलीवाड़ा जो कि हाफ 400 का है, इसकी क्वांटिटी ठीक ठाक है, मटन वाले से तो ये तो काफ़ी सस्ता है और अच्छा भी है। और फिर फाइनली ये है चिकन गोल्डन लपेटा, ये भी अननेसेसरली एक्सपेंसिव है, 750 का बहुत ज़्यादा महंगा है। एंड फाइनली अरेबियन पुडिंग, ये यहाँ पे सबसे चीपेस्ट है डिजर्ट्स में, और काफ़ी टेस्टी, बहुत टेस्टी, इसको तो खाना ही खाना, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है 65 रुपीज़ की शायद एक है। तो बस चलिए सफ़र यहीं ख़त्म हुआ, बाय बाय।